टीवी के सबसे धमाकेदार और हाईएस्ट रेटिंग पाने वाली शो अनुपमा लगातार लोगों का खूब दिल जीत रहा है। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना के शो अनुपमा में आए दिन ऐसे ऐसे मोड आ रहे हैं जिन्होंने दर्शकों को बखूबी शो से बांधा हुआ है। बीते दिन अनुपमा में दिखाया गया कि अनुपमा बंद कमरे में तोशो को ले जाती है और उससे उसकी काली करतूतों का सच उगलवाती है, लेकिन तोशो अपनी गलती मानने की जगह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बेतुकी वजह बताना शुरू कर देता है, जिससे अनुपमा अपने आंसू नहीं रोक पाती है। लेकिन रूपाली गांगुली के अनुपमा में आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट यहीं पर खत्म नहीं होते हैं। शो में आगे बताया जाएगा कि तोशो अपनी माँ के मुंह पर लगाम कसने की कोशिश करेगा। अनुपमा की डांट का परितोष पर कोई असर नहीं होता है। वो कहता है कि अब जो हो गया सो हो गया, आगे नहीं होगा। इतना ही नहीं, वो अनुपमा का मुंह बंद करने के लिए कहता है कि जिन वजहों से राखी माम चुप है आप भी चुप हो जाइए। लेकिन तोशो की बातें सुनते ही अनुपमा का पारा और भी ज्यादा चढ़ जाता है और वो सबके सामने उसकी धज्जियां उड़ाने का फैसला कर लेती है। अनुपमा परिवार के सामने कुछ बोल पाती इससे पहले राखी दवे उसे रोक देती है। वो उसे कहती है कि वो अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं होने देना चाहती है, साथ ही अपनी नातिन के साथ भी कुछ बुरा होते नहीं देख सकती। इतना ही नहीं, वो अनुपमा को चुप रहने के लिए किंजल और आर्या की कसम देती है, साथ ही उसके सामने झोली फैलाकर बोलती है, मैं तुम्हारे सामने अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ अनुपमा, प्लीज ये बात किसी को मत बताना। राखी दवे की बातें सुनने के बाद अनुपमा चुप तो हो जाती है, लेकिन वो सोचती है कि वो किंजल को दूसरी अनुपमा नहीं बनने देगी। इतना ही नहीं, अनुपमा कोने में छुपकर मुंह दबाकर रोती है और वनराज और काव्या के दिए धोखे को याद करती है। रूपाली गांगुली के शो नामकरण के फंक्शन के बीच तोशु किंजल से झूठे वादे करता है और कहता है कि वो बेस्ट पापा और बेस्ट पति बनकर दिखाएगा। इसके साथ ही तोशु किंजल से वचन लेता है कि अगर वो कभी लेट भी आए तो किंजल उस पर शक ना करे। तोशु वादा करता है कि वो जान दे सकता है लेकिन कभी भी किंजल को धोखा नहीं दे सकता है। उसकी ये बात सुनते ही अनुपमा खुद को रोक नहीं पाती है और सबके सामने चिल्ला पड़ती है। वो कहती है कि जरा तो शर्म कर परितोष। फिलहाल आपकी क्या राय इस खबर के बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।